हेलो गेमर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डूइंग अ गेमिंग टेस्ट ऑफ आवर लैपटॉप विच इज़ द एसुस टफ A15। सो इस वीडियो के लिए काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप GTA 5 वगैरह FPS मीटर ऑन करके खेलो एंड लाइक हम लोगों को परफॉर्मेंस चेकआउट करनी है कि ये लैपटॉप कैसी दे रहा है। सो सबसे पहले मैं बता दूँ कुछ चीज़ें। मेरे लैपटॉप में 3 चीज़ें कनेक्टेड है, हेडफोन्स, कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड एक्सटर्नल में यूज़ कर रहा हूँ एंड मतलब ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें दिमाग में रखने पड़ते हैं, क्योंकि 3-3 चीज़ें और भी कनेक्टेड है। सो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा शायद तक एकदम माइन्यूट थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो लैपटॉप है वो प्लग्ड इन है, तो वो भी आप लोग ध्यान में रखना कि चार्जिंग पे ही खेल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहली गेम जो हम लोग ट्राई करने वाले हैं वो है GTA 5। तो स्टोरी मोड ही खेलेंगे, हम लोग क्राउडेड एरिया में जाएंगे एंड देखते हैं कि FPS कैसे देखने को मिलते हैं। अब भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे गेम एकदम हाईएस्ट सेटिंग्स पे, एकदम मतलब जो एक्सट्रीमली हाई सेटिंग्स होती है उस पर चल रही है गेम। तो अभी आप लोग FPS देखना, फिर हम लोग थोड़ी सी ग्राफिक्स को कम करेंगे एंड उसके बाद भी हम लोग चेकआउट करेंगे कि कैसे FPS देखने को मिलते हैं। सो हियर वी आर इन द गेम एंड अभी एकदम एक्सट्रीमली हाई सेटिंग्स पे चल रही है गेम एंड स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन है, तो आप लोग ये सारे फैक्टर्स भी दिमाग में रखना। एंड मैंने सारी कार्स को मॉडिफाई कर लिया था एंड ये वाली मेरी सबसे तगड़ी कार है, तो इसको ही लेते हैं अभी, इसमें ही ट्राई करते हैं। एंड अभी आप लोग देख सकते हो अराउंड 50 से ऊपर ही आ रहे हैं FPS। अभी देखने वाली बात रहेगी कि कैसा आएंगे FPS। So guys, अभी बहुत हाईएस्ट सेटिंग्स पे गेम, इसलिए थोड़ा सा आपको FPS कम देखने को मिल सकता है एंड कुछ देर बाद मैं ग्राफिक्स थोड़े से कम करके भी करूँगा। तो अभी आप लोग एक बार देख लो अल्ट्रा सेटिंग्स पे गेम, मतलब हाईएस्ट जो गेम की सेटिंग है ना उस पर अभी फिलहाल चल रही है। उसके बाद मीडियम पे करेंगे, फिर लो पे भी देखते हैं कि कैसे FPS देखने को मिलते हैं। तो अभी तो फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिल रहे हैं थोड़े बहुत। एंड बाकी जो गेम प्ले सीरीज मैंने डाली है GTA 5 की पूरी, आप लोग आई बटन पे चेकआउट कर सकते हो, वो पूरी हाईएस्ट सेटिंग्स पे डाली है मैंने। तो उधर से भी आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि कैसे परफॉर्मेंस दे रहा था लैपटॉप। एंड सारी गेम प्ले वीडियो 60 FPS पे रिकॉर्डेड है एंड अपलोडेड है। तो अब एक काम करते हैं, गाड़ियों को ठोक के देखते हैं। आप लोग FPS देखते रहना कैसे आ रहे हैं। तो ये गाड़ी ठोक रहा हूँ मैं ज़बरदस्ती एंड FPS कम हो रहे हैं ऑब्वियसली। तो आप लोग देखते हैं बहुत क्राउडेड एरिया में आ चुका हूँ मैं, ये मैं ठोक रहा हूँ कार्स। गाड़ी की हालत भी ख़राब हो चुकी है। फिर भी इस प्राइस पॉइंट पे मेरे को लगता है कि ये जो लैपटॉप है ये बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी ऑन है एंड काफ़ी सारे कीबोर्ड माउस वगैरह भी मैंने यूज़ कर रखे हैं इसमें, तो वो भी एक फैक्टर होता है। एंड ये हाईएस्ट सेटिंग्स पे इतनी FPS दे रहा है। तो अब अपन एक काम करते हैं, अपन थोड़ी सी सेटिंग्स को कम करते हैं, ठीक है, गेम की ग्राफिक सेटिंग्स जो है। सो गाइस, अब हम लोगों ने ग्राफिक्स को कम कर दिया है, अब ये मीडियम सेटिंग्स पे है एंड अब आप लोग परफॉर्मेंस चेकआउट करना कि कैसी आ रही है। तो पहले वाला जो गेम प्ले था वो हाईएस्ट सेटिंग्स पे था, एकदम अल्ट्रा, एकदम वेरी हाई, जो भी सब कुछ सेटिंग्स एकदम हाई पे थी। अब सारी मैंने मीडियम सेटिंग्स कर दी है, तो अब देखते हैं कि कैसे FPS देखने को मिलते हैं। एंड इसके बाद हम लोग लो पे भी ट्राई करने वाले हैं, क्योंकि GTA 5 एक ऐसी गेम है जो कि हैवी गेम है, तो इससे आपको एकदम परफेक्टली पता चल जाएगा कि हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ दिस लैपटॉप। एंड मेरे अकॉर्डिंगली तो इस प्राइस पॉइंट में ये बेस्ट है। तो अभी गेम लोड हो रही है एंड काफ़ी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे कि GTA 5 आपने परचेज़ किया, तो हाँ मैंने परचेज़ किया। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे वेरीफाई भी होता है ओनरशिप, तो ये पेड वाली एपिक गेम्स लॉन्चर से मैंने परचेज़ करी है। सो स्टोरी मोड फिर से स्टार्ट करते हैं एंड अभी
गेम मीडियम सेटिंग्स पे है। एंड एक सेकेंड, वेट, सो ओके तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी बीच में। एंड अब मैं आप लोगों को एक सेकंड दिखा देता हूँ कि ग्राफिक्स सेटिंग्स क्या है। सो ये रही सेटिंग्स ग्राफिक्स, वेट, या अब यहाँ से आप लोग देखो नॉर्मल 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 सब मीडियम सेटिंग्स पे कर दिया है मैंने। एंड अब आप लोग FPS देखना, ये वाली कार ले लेता हूँ। तो मीडियम सेटिंग्स पे तो मेरे अकॉर्डिंग ना 60 FPS से ऊपर ही आते हैं, एंड लो पे तो फिर और आगे चले जाएंगे। और इसकी जो डिस्प्ले है वो 144Hz की है, तो आप लोग ऑब्वियसली वो फील भी कर पाओगे कि गेम काफ़ी अच्छी चल रही है। एंड अभी देख लो आप लोग 70 FPS के आसपास चल रही है। एंड ये ग्लिच हो रहा है थोड़ा सा, वो मैंने कोई बात नहीं, आप लोग FPS चेकआउट कर सकते हो। वो बैकग्राउंड में भी कुछ रन हो रहा है, उसके वजह से थोड़ा सा ना वो डिस्टर्बेंस हो रही है, क्योंकि तो मैंने गेम की ग्राफिक्स चेंज करी ना, तो अब वो ऑटोमेटिक भी एक बार वो रन करती है गेम। तो मैंने ऑटोमेटिक रन होने की जगह मैंने खुद से स्टार्ट कर दिया गेम को, सो इसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस हो रही है, बट नेवर माइंड। आप लोग FPS चेकआउट कर सकते हो अभी कितने आ रहे हैं। मैं ठोकते हुए भी चल रहा हूँ गाड़ी को, ताकि गेम में थोड़ी सी प्रेशर पड़े। एंड आगे फायर भी कर देते हैं। ये ठोका मैंने यहाँ पे, एंड मतलब अगर एवरेज निकाला जाए ना 60 से ऊपर ही आते हैं इसमें ग्राफिक्स, ग्राफिक्स कह रहा सॉरी FPS। तो अब अपन एक काम करते हैं, अब सेटिंग्स को एकदम लो कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि FPS कैसे आ रहे हैं। सो गाइस अब जो ग्राफिक्स कर दिए मैंने वो एकदम ही कम कर दिए, मतलब लाइक एकदम लोएस्ट जो होते हैं ना ग्राफिक्स, उस पर चल रही है गेम। एंड अब आप लोग FPS चेकआउट कर सकते हो, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आता बट ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट सेटिंग्स पे अराउंड 50 के आसपास एवरेज था, एंड अब लो पे फिर मीडियम पे 60 के अराउंड एवरेज था। अब देखते हैं कि एकदम लो पे कैसा रहता है, मीडियम के बाद लो पे। अब मेरे हिसाब से 65 के आसपास एवरेज रहना चाहिए इसका। सो फ्रेम ड्रॉप्स तो मेरे को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे, फील नहीं हो रहा एकदम भी फ्रेम ड्रॉप्स, बट FPS थोड़े से कम आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू द मीटर। आंखों से तो उतना फील नहीं हो रहा कि कम आ रहे हैं FPS, ठीक ठाक लग रहे हैं। तो मैं ठोकते हुए भी जा रहा हूँ, ठोकते हुए भी 62-63 FPS आ रहे हैं, काफ़ी सही चल रहा है। एंड देख सकते हो आप लोग, ये देख लो आप लोग 60 FPS के अराउंड ही चल रहा है, एकदम भी फ्रेम ड्रॉप नहीं हो रहे। ये मैंने इसको ठोका, ओके चलो अभी और थोड़ा सा देखते हैं कि कैसी चलती है गेम। आप लोग FPS ऊपर देख सकते हो राइट साइड पे, बिल्कुल भी फ्रेम ड्रॉप्स नहीं हो रहे लो पे, तो बहुत अच्छी चल रही है गेम। एंड
ठोकते हुए भी जा रहा हूँ मैं बंदों को। अब थोड़ी सी तबाही भी मचाते हैं ना, तभी तो पता चलेगा। उठ जा भाई। ओह शिट, मैं ही मर गया। सो ठीक है गाइस, आप लोग ने देख लिया। अब आप लोगों को मैंने तीनों ग्राफिक्स पे दिखा दी है परफॉर्मेंस, एंड मैंने पूरी जो गेम प्ले सीरीज डाली थी वो एकदम एक्सट्रीमली हाईएस्ट सेटिंग्स पे थी, तो उस पर मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड अभी भी आप लोग देख सकते हो, अगर मैं पैदल चलूँ तो अच्छे खासे FPS आ रहे हैं, 60+ FPS, लाइक बहुत अच्छा है। एंड मैं फ्यूचर में प्लान कर रहा हूँ इसमें मैं 8 GB की और एक स्टिक लगा दूंगा, तो 16 GB की रैम हो जाएगी टोटल। तो फिर उसके बाद फिर से मैं एक बार यही गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ कि परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आते हैं और क्या नहीं। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि 60 के आसपास आ रहे हैं FPS, एंड ये विद स्क्रीन रिकॉर्डर है। स्क्रीन रिकॉर्डर ऑफ करने के बाद आप लोग मान लो 10 से 15 या 20 फ्रेम्स बढ़ जाएंगे आपके। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन खेलता हूँ विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डर तो गेम काफ़ी ज़्यादा और स्मूथ चलती है। ठीक है, तो अब दूसरी गेम ट्राई करते हैं। सो दूसरी गेम अभी हम लोग जो खेलने वाले हैं वो है माइनक्राफ्ट, तो चलिए माइनक्राफ्ट की तरफ चलते हैं। सो गाइस, हम लोग माइनक्राफ्ट में भी आ चुके हैं, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इसमें FPS मीटर मैंने लगाने की कोशिश करी बट इसमें FPS मीटर वर्क नहीं कर रहा। बट आप लोग गेम प्ले देख के जज ज़रूर कर पाओगे। ये है शेडर्स के साथ गेम प्ले जो अभी चल रहा है, एंड आप लोग देखो अब यहाँ पे मैं ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर लाइक काम चल रहा है आयरन फार्मिंग का मेरा, तो ये देख सकते हो आप लोग। इधर ये सारी चीज़ें मैं कलेक्ट कर लेता हूँ आराम से। तो गाइज आप लोग देख सकते हो, एंड यहाँ पे मेरी स्वॉर्ड है, एंड अब इसको मारता हूँ मैं मार मार के। आप लोगों को भी दिखाता है इसमें शेडर्स एक्टिवेटेड रहती है, एंड खा भी लेते हैं थोड़ी सी, ये भी कर लेते हैं। चलो, अरे नहीं मैं गलत यूज़ कर रहा हूँ, ये भी यूज़ कर लेते हैं। एंड आप लोग देख सकते हो अब मैं बिना शेडर्स के भी आप लोगों को दिखा दूंगा गेम प्ले कैसा आ रहा है। विदाउट शेडर्स थोड़ा सा ज़्यादा स्मूदर है, लाइक कॉन्स्टेंट 60 FPS के अराउंड आता है, तो वो ज़्यादा सही लगता है खेलने में। एंड आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शेडर्स के साथ, एंड एक और एक शेडर है मेरे पास जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली हाई ग्राफिक्स वाला शेडर है जिसमें गेम लैग करती है, वो भी आप लोगों को लगा के दिखा दूंगा मैं। तो आप लोग टेंशन ना लो, पूरी बढ़िया आप लोगों को आज गेमिंग टेस्ट देखने को मिलेगी। एंड चलो, सो अब मैंने आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली जो भी कॉमन चीज़ें हम लोग रोज़ करते हैं माइनक्राफ्ट में वो दिखा दी है। अब लाइक अभी टाइम है कि हम लोग शेडर्स चेंज करें। सो अब आप लोगों को विद शेडर्स दिखाया जाता है, जाने वाला हूँ, दिखाने जाने वाला हूँ। हाँ, सो ये देखो, ये एक्सट्रीमली हाई ग्राफिक्स वाले शेडर्स हैं। इसमें आप लोग देख सकते हो मेरे तो जितना लग रहा है 20-30 FPS के अराउंड ही आ रहे हैं इसमें, ज़्यादा कोई खास परफॉर्मेंस आती नहीं है इस वाले में। एंड ये देखने में तो काफ़ी प्यारा लगता है बट वही है कि इतना अनस्मूथ एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। तो आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें भी। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी लैग हो रहा है, FPS ड्रॉप हो रहे हैं ऑब्वियसली, लाइक उसमें बहुत अच्छा चल रहा था तब। सॉरी गाइस, शेडर्स ऑफ थे। अब ये वाला मैंने सबसे हाई ग्राफिक्स वाला शेडर ऑन किया है, एंड आप लोग देख सकते हो काफ़ी प्यारा है ये ग्राफिक्स, बट वही है कि लैग करती है गेम, सो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता। अब लाइक आप लोगों को जो मीडियम ग्राफिक्स वाला जो शेडर है ना वो आप लोगों को लगा के दिखा देता हूँ मैं जल्दी से,
तो ये है प्रोजेक्ट लूमा वाला, इसमें ज़्यादा लैग नहीं होता है, ये लाइक ओके ओके वाला है, तो आप लोग देख सकते हो। इसमें परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो जाती है कि उस वाले शेडर जितना लैग नहीं करता, एंड देखने में भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है ये वाला। तो आप लोग देख सकते हो ये वाला शेडर जो मैंने यूज़ किया अभी, एंड वाटर के ग्राफिक्स भी देख लो काफ़ी सही आ रहे हैं इसमें। तो वही है गाइस, अब आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। ऑफ था सबसे पहले वाला, स्टार्टिंग वाला जो गेम प्ले था उसमें शेडर्स ऑफ थे, उसके बाद सेकंड वाले में मैंने बहुत हाई वाले शेडर्स लगा के दिखा दिया आपको। अब ये वाले हैं जो कि मीडियम वाले शेडर्स हैं, तो यू गाइस कैन जज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, क्योंकि आप लोग भी गेम प्ले देख ही रहे हो रिकॉर्डेड वाला। आप लोगों को FPS ड्रॉप वगैरह कुछ भी होगा तो आप लोगों को दिख जाएगा, तो आप लोग इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। एंड अब हम लोग फाइनली खेलने जा रहे हैं वैलोरेंट, एंड वैलोरेंट में मैं आप लोगों को सबसे हाईएस्ट सेटिंग्स का ही गेम प्ले दिखाऊंगा, एंड आप लोग उससे जज कर लेना कि कैसा आ रहा है। एंड आप लोग गेम प्ले जज मत करना क्योंकि मैं नूब हूँ काफ़ी ज़्यादा उसमें, आप लोग परफॉर्मेंस देखना लैपटॉप कैसी दे रहा है। तो चलो वैलोरेंट खेलते हैं अब। सो गाइस, हम लोगों ने वैलोरेंट स्टार्ट कर लिया यहाँ पे, एंड अब हम लोग खेलने वाले हैं, एंड आप लोग परफॉर्मेंस चेकआउट करते रहना। ऊपर FPS मीटर चालू है, एंड गेम हाईएस्ट सेटिंग्स पे रन कर रही है, कोई इशू नहीं है। एंड एक इशू हो सकता है वो कि है नेटवर्क का, बाकी मेरी तरफ से कोई और इशू नहीं है, एकदम परफेक्टली फाइन है मैच सब कुछ। फाउंड। एंड यहाँ पे मैच पॉइंट हो चुका है ऊपर, अभी तो 143 139 FPS आ रहे हैं, दैट्स प्रिटी ऑसम, क्योंकि वो फेक आ रहे हैं कुछ चल ही नहीं रहा फिलहाल। सो सिलेक्ट कर लेते हैं अपना कैरेक्टर यहाँ पे। सो पहले बोल रहा हूँ मैं, आई एम नॉट अ प्रो एट दिस गेम, आई एम स्टिल लर्निंग। आप लोग मेरी परफॉर्मेंस नहीं, लैपटॉप की परफॉर्मेंस देखना। सो हम लोग वेट करते हैं मैच के स्टार्ट होने का, एंड जैसे स्टार्ट होता है फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो वेट नहीं करना पड़ा, गेम काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया है। एंड ये मैं ही हूँ, इट्स योर डैडी हेयर नाम ही है बस डैडी वाले, खेलना तो आता नहीं है, बेइज्जती करके चले जाते हैं लोग उल्टा मेरी ही मार मार के। तो अब जल्दी से गेम स्टार्ट हो जाएगा, एंड मैंने ये वाला एक शॉर्ट वाला मैच लगाया है क्योंकि लंबा मैच खेल के क्या ही करना था अपने को, हमने तो बस परफॉर्मेंस चेक करनी थी। तीन गेम्स हमने खेले क्योंकि तीन ही अवेलेबल अभी मेरे पास। मैक्स पेन 3 थी वो मैंने डिलीट कर दी क्योंकि उसकी सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई थी, एंड अब GTA 5 और ये ही तीन पड़ी थी। एंड फ्यूचर में अगर कोई गेम खेलूँगा तो देखते हैं, फ्यूचर का फ्यूचर में देखते हैं, अभी कुछ नहीं बोलना चाहता। तो वेट करते हैं मैच के स्टार्ट होने का, एंड भाई बहुत ठंड है यार, हाथ भी काम नहीं कर रहे मेरे तो, पर ठीक है आप लोगों के लिए करना पड़ता है। Spike rush. Do not तो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है, एंड नेटवर्क की प्रॉब्लम मैंने बोली थी आप लोगों को हो सकती है, एंड आप लोग FPS चेकआउट करते रहो, 86 तक आ रहा है FPS। चलो अब मैच स्टार्ट हो चुका है अपना। अरे भाई ये क्या हो गया, अरे भाई इतने सारे लोग, माय गॉड। ओके मैं तो हवे में मर गया भाई, दिमागी काम नहीं करा मेरा, क्या चल रहा है क्या। आप लोग FPS देख सकते हो गाइस, 80 आ रहे हैं, और ये हाईएस्ट सेटिंग्स है, लो सेटिंग्स नहीं है, 80 आ रहे हैं अप्रॉक्स। यार थोड़ा सा पिंक का इशू हो जाता है यार। नाइस, चलो ये राउंड तो जीत ही गए, अपने तीन बंदे बच रहे हैं। अरे नहीं शिट, डूड मरे। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग, क्लच मार दिया भाई, लॉल सही में लॉल हो गया।
यार नेटवर्क दिक्कत दे रहा है मेन, तो बाकी तो कोई इशू नहीं है। चलो आप लोग FPS तो चेकआउट कर ही पाओगे, एंड गंदे नेट वाले कंडीशन में भी आप लोगों को FPS का पता चल जाएगा कि कैसे आते हैं। अरे बचाओ भाई, अरे नहीं अरे कहाँ से, व्हाट? ठीक है भाई, नू पता है आप लोग FPS पे फोकस करो, परफॉर्मेंस पे नहीं। 90 तक जा रहे हैं ब्रो, हाईएस्ट सेटिंग्स पे वो भी। लेट्स गो। एंड बाकी मैं वैलोरेंट काफी खेलता हूँ ऑनलाइन, तो अच्छा ही चलता है परफॉर्मेंस। Last player standing. My ult's ready. Here comes the party. One enemy remaining. Oh, bhai. Must. But mari jayenge obviously. Phatne wala hai wo. Spike. Left pe banda. Oh, piche aa gaya wo, lol. Theek hai, aur ek last round khelte hain and free performance check out karte hain. नेट नहीं चल रहा वरना थोड़ा तो मैं अच्छा ही खेलता ही, थोड़ा सा ज्यादा नहीं। अरे यार नेटवर्क ही नहीं चल रहा, हट। लास्ट प्लेयर स्टैंडिंग। चलो ठीक है गाइस, हमने अभी तीनों गेम खेल लिए हैं, एंड FPS का तो देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि GTA 5 में हाईएस्ट सेटिंग्स में 50 थे, फिर उसने हम लोगों ने जब मीडियम किया तो 60 थे एवरेज, एंड एकदम लो कर दिया तो 65-70 एवरेज चल रहा था FPS। एंड माइनक्राफ्ट में अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लोगों को बताऊं कि कितने FPS थे, तो आई गेस इट वाज अराउंड 30, और सबसे हाईएस्ट ग्राफिक्स वाला शेडर एंड जो दूसरा शेडर था उसमें इट वाज अराउंड 50-60, एंड विदाउट शेडर्स तो 60 एवरेज चलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड यही है गाइस, वैलोरेंट में तो आप लोगों ने देख ही लिया 80-90 FPS आराम से आ रहे हैं इसमें हाईएस्ट सेटिंग्स पे भी, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो चलो और एक राउंड खेल ही लेते हैं, अब भी हारने वाले मैच पॉइंट है। अरे यार नेट नहीं चल रहा ना, प्रॉब्लम वही है। सो अब आप लोग जज कर पाओगे आई गेस, काफ़ी सारे लोग मेरे बात लेने का सोच रहे थे मेरी वीडियो आने के बाद, क्योंकि वो जो मैंने वीडियो डाली थी वो काफी लोगों ने देखी। बिल्कुल भी नहीं चल रहा नेट ही नहीं चल रहा भाई। तो ठीक है गाइस, इस वाली वीडियो को यही एंड करते हैं। मैंने आप लोगों को गेमिंग टेस्ट करके दिखा दिया सारा मेरे पास जितने भी गेम्स थे, एंड अब आप लोग जज कर सकते हो, अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि मैंने जिस प्राइस पॉइंट पे इसको लिया था 51,240,
उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। एंड अभी तो इसकी प्राइस आई गेस 65,000 समथिंग हो गई है, तो इस प्राइस रेंज में ये बेस्ट था, मेरे को बेस्ट लगा। एंड मैं रिग्रेट नहीं कर रहा क्योंकि मैं बहुत सारी गेम्स इसमें खेल चुका हूँ एंड अभी तक एक्सपीरियंस सही रहा है। एंड वैलोरेंट तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलती है। एंड यही थी गाइज आज की वीडियो, आप लोगों ने गेमिंग परफॉर्मेंस मांगा था विद FPS मीटर। दो गेम्स में मैंने FPS मीटर यूज़ किए, एक में नहीं यूज़ कर पाया क्योंकि वो एक इशू आ रहा था उसमें। सो आज की वीडियो में इतना गाइज, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपकी इससे हेल्प हुई हो तो लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।